कहाँ से खाएंगे, सब ड्रिंक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सीनियर सिटीजन में आज कोई सुनता ही नहीं है, तो तुम लोग क्यों ब्राह्मणों के विरोधी हो रहे हो? मैं अपने आत्महत्या कर दूंगा अगर ऐसे थोड़ा होता। आज के टाइम पे इतना बड़ा खेत कर रखा है, वहाँ वो कूड़ा करकट डाल रहे, स्वयं भूषण बरादित्य पुष्प राक्षो महासनो, ये स्वयं प्रकट हुए है। जय बद्री विशाल। तो ये देखिए गुप्त गंगा जो कि जमीन के नीचे से बहती है। विदाउट बनी साइकिल से यात्रा में है, तो यहाँ पे है चरण पादुका। जब स्वर्ग से पृथ्वी पर विष्णु भगवान आए थे तो उन्होंने अपना पहला कदम यहीं पे रखा था। कुत्ता बिल्ली मक्खी मच्छर आराम करना, सोना, बच्चे पैदा करना, बुढ़ा बीमार सब। तो यह है नीलकंठ पर्वत जो कि भगवान शिव जी का रूप इसे बोला जाता है। चरण पादुका का ट्रैक कहाँ से होता है स्टार्ट? यहाँ से भैया, यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा। 2-3 किलोमीटर है? वही तो मैं आसाम से हूँ। आसाम से हो आप? हाँ। काफी दूर से आए हो। तो देखिए एक ब्लॉगर मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे, लेकिन कहाँ से आए पता है? मैं तो चलो कुमाऊँ से हूँ, लेकिन ये आए हैं भाई साहब आसाम से। ट्रैक हो चुका है स्टार्ट ऊपर, कहाँ जाने वाले मैं बताता हूँ आपको। यह ट्रैक हम लोग अभी जाने वाले हैं चरण पादुका। चरण पादुका विष्णु भगवान के पद चिन्ह वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे पहुँच के वहाँ के रहस्य में बताऊँगा आपको। तो फिलहाल जानते हैं जो ब्लॉगिंग का शुभ नाम आपका। मेरा नाम कनकनाथ। कनकनाथ, मैं आसाम करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट टाइम शायद आ रहे हो आप? हाँ मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा कितने लोग आए हो? मैं सिंगल हूँ। सिंगल? हाँ। मैं भी सोलो हूँ। मैं भी सोलो ट्रैक पे हूँ, ये भी सोलो पे निकले हैं, अकेले निकले हैं। मतलब अकेले के मजा ही अलग है। अकेले का अलग ही मजा है। देखो अभी आप भगवान ने मिला दिया दोनों को। फिर तो मैं भी अकेले था, चलो ये मिल चुके हैं, तो अब थोड़ा ट्रैक हम लोग साथ साथ करेंगे। ठीक, और जो चलते हैं यहाँ से होता है ट्रैक। भाई साहब ये चरण पादुका कितना दूर होगा ऊपर? डेढ़ किलोमीटर। आपका शुभ नाम? अनिल। अनिल, अच्छा इस गाँव का नाम क्या है? बद्रीपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, मकान का काम चल रहा है ना? जय बद्री विशाल। 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 तो ये सब जो है काम कर रहे हैं अबे, तो हम लोग चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। आंटी जी नमस्कार। चिरंजीव आयुष्मान भव, आपकी यात्रा सफल हो, भगवान आपको दीर्घायु दे। जो यहाँ सब कुछ हो रहा है जी जी जी, उसको आप आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएंगे, है ना? बिल्कुल। और भगवान ये साक्षी गोपाल जी हैं। गोपाल जी है, लड्डू जी, लड्डू गोपाल जी हमारे साक्षी गोपाल जी। अच्छा। भगवान इनके साक्षी है। अच्छा विशाल जी, आप यहाँ यहीं पे रहती हैं? मैं यहीं पे रहती हूँ। कितने पहले से? हमारे तो कई बूढ़े बुजुर्ग सब बैकुंठ धाम में चले गए। ये मतलब आपकी मतलब पुश्तैनी जमीन है यहाँ? बिल्कुल। आप तो बहुत मतलब किस्मत वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं आपकी, ऐसी जगह पे आपको भगवान ने अपने चरणों में अपने चरणों पे आपको बुलाया रखा है। यहाँ पे रखा है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तीन है। तीन है? सबसे बड़ी लड़की है, उसका नाम पूजा है। जी जी जी। उसके दो बच्चे हैं और फिर दो भाई हैं उसके पीछे। अच्छा। बड़े का नाम रोहित है, छोटे का नाम नकुल है। अच्छा। और छोटा पोता भी है मेरा दिव्यांश, जिसका नाम है। वो आप शायद अकेले रहते होंगे यहाँ? वो भी रहते हैं यहाँ? वो कभी कभी आते, वो आते बाहर रहते होंगे ना? वो बाहर रहते हैं। बच्चे तो आजकल बाहर मोटी जॉब करते हैं, जॉब परिवार को चलाने के लिए। अब ये देखो मेरी प्रधानमंत्री जी से और आदित्यनाथ योगी जी से ये प्रार्थना है, और भगवान को थोड़ी मोदी जी को अच्छी बुद्धि दे, ताकि ये ब्राह्मणों का मकान ना तोड़े। ना तोड़े? और अगर क्यों, कौन तोड़ रहे हैं? सरकार ने तोड़वाया, ये तो तोड़वा रहे हैं। क्यों ये तोड़वा दिया सरकार ने? आप अगर मंदिर का एरिया बनाते हो अच्छा, तो हमें खुशी है उसमें। खुशी है, लेकिन पहले इनकी व्यवस्था करते, उसके बाद तब इनको वहाँ शिफ्ट करके तब इनका मकान तोड़ते हम ब्राह्मणों का। कई सारे वहाँ नीचे जो गंगा जी के किनारे ब्राह्मणों का मकान है, उनके तो जो बही खातों में नाम होता है ना, यात्रियों के नाम हम जो रखते हैं उसी की पूजा करते हैं। हमारी तो खेती है, वो खेती है, सही बात। हम उसी से खाते हैं, उसी से हमारा पालन पोषण होता है बच्चों का। और अगर ऐसा कर, अब हमारा ये हो गया कि हम कहाँ से खाएंगे। उधर शेष नेत्र में मेरा एक मकान पड़ा है, शेष नेत्र कुसुम पैलेस शंकराचार्य के बगल बगल। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पे 3 साल हो गए अभी मेरे को। वो रोड में उन्होंने मेरे मकान के आगे पीछे रोड बनाई, उसमें ना पानी का भी सब खत्म कर दिया कनेक्शन, बिजली का भी खत्म कर दिया, शिविर का भी खत्म कर दिया, और 3 साल हो गए। मेरी रोजी रोटी उसी से चलती है, वो बंद पड़ा है। मैं कितना भागदौड़ लगाई बिजली विभाग में,
आपके ये सीवर लाइन वालों में पानी विभाग में वो सब कह रहे पैसे दो, कहाँ से दो जब मेरा मकान चल ही नहीं रहा। चल ही नहीं रहा, सही बात है। मकान चलता तो मैं पैसे दे देता। तो मुआवजा मिला इसका पैसा? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मुआवजा वुआवजा कुछ नहीं मिला। ये तो गलत बात है, है ना। अब बताओ हमारे को देना चाहिए था, जितना नुकसान आपको हुआ है। वाले कह रहे हैं पानी, वो सब कह रहे हैं कि पहले पैसे भरो। कहाँ से भरो, कहाँ से भरोगे आप? सरकार मेरी, आपकी रोजी रोटी तो वो थी ना, वो हमारी रोजी रोटी है, वो मकान हमारे रोजी रोटी है, है? सही बात। तो हम कैसे करेंगे, कैसे करोगे? मेरे पे कर्ज हुआ रखा है, मैं कहाँ से वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था करूँ? घूम गई मैं, है, सीनियर सिटीजन में आती हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। आप अकेले परेशान नहीं हो जाओगे? पहले ऐसा है, उनको फ्री में मेरा काम करना चाहिए था। मेरा नाम कुसुम है और मैं इस ठाकुर जी की भी पूजा करती हूँ। मेरा जो शेष नेत्र का मकान है उसमें बिजली पानी और मेरी रोजी उससे चले, मेरे पे जो कर्ज है वो भी मैं दे दूँ वो चल के। और ये प्रार्थना करती हूँ भगवानों को अच्छे से तोड़ फोड़ ना करे, ब्राह्मणों का कर्म भगवान को भी ब्राह्मणम ब्राह्मणम प्रिय, बिल्कुल उन्हीं की वजह से भगवान को ब्राह्मण प्रिय है। ब्राह्मण प्रिय शंकराचार्य जी भी अपने साथ में जब वो यहाँ आए भगवान की स्थापना करने के लिए, तो उन्होंने भी क्या किया, भगवान पहले अपने आप आए शंकराचार्य जी, तो उन्होंने जब स्थापना करने के लिए बैठे वहाँ पे, तो भगवान ने कहा, शंकराचार्य जी ने कहा बिगड़ पुरोहित की प्रार्थना वो स्थापना नहीं होती, पूजा नहीं होती है। शंकराचार्य जी फिर वापस गए, फिर हम ब्राह्मणों को लेकर यहाँ आए। अच्छा, कि बगल ब्राह्मण की पूजा नहीं होती, नहीं हो सकती। तो भगवान को ब्राह्मण प्रिय है, तो तुम लोग क्यों ब्राह्मणों के विरोधी हो रहे हो? नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनसे परमिशन ले लो, अगर हाँ है तब जाके आप कर सकते हो कंस्ट्रक्शन। लेकिन उनका ये था ना, उनको पहले मकान बनाने चाहिए, पहले व्यवस्था करनी चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी थी। अब जो वहाँ पे रह रहे हैं वो जो धर्मशाली है या कोई भी है, वो उनको परेशान कर रहे हैं, कोई पानी का कनेक्शन बंद करे, कोई बिजली का कनेक्शन बंद करे। वो एक बच्चा कहीं यहाँ पे रहता रो रहा था कि मैं अपने आत्महत्या कर दूंगा अगर मेरी जमीन में किसी ने अब छेड़छाड़ किया, मैं उसको बना रहा हूँ ना, ये जो बन रहा है ये ही बन रहा है। जमीन तो आपके नाम से, अगर ऐसा करते मुआवजा तो देंगे? वैसे वो कुछ नहीं दिया सरकार ने उनको लिखित भी नहीं दी। अच्छा, इनसे सब कुछ ले लिया। ये तो गलत है, डेवलपमेंट विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये प्रार्थना है कि मोदी जी हम आपको बहुत मानते हैं, क्योंकि तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये जो काम किया उन्होंने वो बहुत बुरा किया, वो बुरा कर। मेरी ये प्रार्थना है, मेरे दो बच्चे हैं जो एक छोटा बच्चा मेरा बेरोजगार हो रखा है, आप उसको कहीं अच्छे से होटल में लगा दो, उसका होटल मैनेजमेंट कर रखा है, तो मेरी रोजी रोटी भी चल गया, मेरा मकान वहाँ सब या तो उनको रोजगार दो, या हाँ उनको मेरे छोटे बच्चे को आज वो रोजगार दे। कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा ना होता। आज के टाइम पे ऐसा कोई कर नहीं सकता। हाँ, इसको भी तोड़ने की कोशिश, लेकिन ठाकुर जी ने कहा छेड़ोगे तो देख लेना, तब रुकाए। अच्छा, ठाकुर जी है यहाँ पे, ठाकुर जी है। क्या करेंगे वो लोग? भगवान बद्री विशाल से मेरी ये प्रार्थना है कि आप प्रधानमंत्री योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, मैं ये चाहते भावी प्रधानमंत्री वो ही बने। और जो हमारे मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी है भी यहाँ के, कहाँ आते भी नहीं है, यहाँ देखने के लिए भी नहीं आए भाई। किसी की समस्या सुनना तो दूर, यहाँ देखने की भी, कैसे लोगों के मकान उजड़ रखे हैं, लोगों के क्या क्या हो रखा है। अब बोलने वाले विकास कर रहे हैं वीआईपी लोग, कुछ विकास नहीं है इनको मकान, ये जो कुछ विकास नहीं है, आप वहाँ देखो जहाँ बिल्डिंग बनाएंगे और जो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं है बेटा, अब यहाँ जहाँ जो नीचे सब बन रखे हैं, जी जी जी, सब ड्रिंक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और वीआईपी हमारी जो यजमान आते हैं ना, वीआईपी जहाज में आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमको नहीं मिलने दे, सीधे अंदर करते हैं, सीधे अंदर, सीधे बाहर, बस उनसे मतलब पब्लिक से कोई मतलब नहीं ना, हम पुरोहितों से कोई मतलब नहीं, आओ पूजा करो जाओ। ये बड़ी दुखद की बात है, दुखद बात है। क्या हम सीनियर सिटीजन में आती हूँ, जितना हमने देखा यहाँ पे तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, आज हम देख रहे हैं, बड़ा दुख हमको हो रहा है। आपके विचार सुनने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को आपके विचारों के अनुसार उनको चलना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ के पहले से रहने वाले हो, आपकी जमीन है, पुस्तैनी जमीन है, जमीन पे भगवान पीढ़ी कई बुजुर्ग हमारे बैकुंठ धाम में हो गए, जो बैकुंठ धाम है ये आपके परिवार की तरह, हमारे परिवार की तरह भी पहले, लेकिन पहले आप हो यहाँ पे, ये आपके परिवार की तरह है, पहले आपके जो फैमिली मेंबर है उनकी तरह है भगवान भी, क्योंकि उनके साथ ही आप बड़े हुए हैं, बड़े हुए हैं उनके साथ, आप पले बड़े, जो भी है आपका घर है, तो आपके विचारों को सुनना बहुत जरूरी है।
जब हम उस समय बाल भोग होता था हाँ। तो बच्चों को मिलता था बाल भोग, मतलब बच्चों को देना देना वो बंटता था। तो उस बाल भोग को हम छोटे छोटे थे, हम अपने माँ पिताजी के साथ में यहाँ आते थे तो गिलास ले जाते थे घर से, अच्छा अच्छा छोटे गिलास ना, तो जैसे वो दफेदार जो बांटते थे उसको दफेदार जी बोलते थे, अच्छा अच्छा। तो वो जब उस खीर को बांटते थे जो भगवान को प्रसाद लगती थी, तो हम छोटे बच्चे थे, बालपन था, मैं जैसे भगवान ने कृष्ण लीला की वैसे हमारा स्वरूप वो समय वैसे था। तो हम क्या एक गिलास को जैसे लिया, उन्होंने दिया तो कहा आपने दिया ही नहीं, हमको दूसरा गिलास आगे कर दिया, दूसरा गिलास क्या पहले ऐसे वो वो समय मुझे बहुत याद आता है कि कितना प्रेम लोगों में था, कितनी मतलब अच्छी भावना लोगों के प्रति। अब सब लोगों के प्रति ईर्ष्या राग द्वेष ये हो गया है, कितना आपस लाइन लगी पड़ी है दर्शन, मतलब राजनीति इतनी खराब हो गई है, बहुत दूषित हो गई है। मैं चाहती हूँ अच्छी हो और भारतवर्ष आगे बढ़े और भगवान बद्री प्रसाद को सब लोग शांति दे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी से मेरी प्रार्थना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी प्रधान ये प्रार्थना है कि आप मेरे दो बच्चों को बस नौकरी लगा दो। और तो पुष्कर जो हमारे मुख्यमंत्री उनका नाम नहीं ले रहे हो आप बार बार, क्या मैं नहीं लेती क्योंकि वो नहीं आ रहे यहाँ पे, कि वो मेरा वहाँ पड़ा है, उनको मेरे को 5 लाख मुआवजा देना चाहिए। आपके विचार नहीं सुन रहे हो, 3 साल हो गए मेरा मकान बंद पड़ा है वहाँ, बिल्कुल देखे ना आके देखें किसका मकान कैसा। डीएम एसडीएम मैंने इतना तक की रजिस्ट्री करके और जो जोशीमठ में जो उच्च अधिकारी बैठते हैं उनको भी मैंने रजिस्ट्री द्वारा उनको लेटर लिखा कि आप मेरी व्यवस्था ठीक कर दीजिए, मेरा पानी का कनेक्शन, शिविर का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन मुझे दे दीजिए, दे दीजिए है। और जो आपने लिया है, जो आपने रोड में कोई हम वो रोड में जो टूट गया है बिल्कुल, बिल्कुल। उसको आप आगे पीछे रोड बनाने से उस तोड़ दिया आपने, उनके कंपनी वालों ने जोड़ा, कंपनी वाले भी नहीं बना, कंपनी वालों के चक्कर में काटे, मेरी नजर में नहीं है विकास, आपकी नजर में नहीं, मेरी नजर में विकास, मेरी नजर में भी नहीं है। हाँ, ऐसा विकास किस काम का जिससे किसी आम आदमी का घर खराब हो जाए, घर खराब हो जाए, नुकसान हो जाए, रोजी रोटी तो छिन गई, आम आदमी को उठाने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, विकास के लिए अगर आम आदमी को परेशान करने लगे। दूसरी बात क्या था, हमने मैंने उस मकान को लीज पे दिया था, अच्छा, रविंद्र सिंह चौहान को, रविंद्र सिंह चौहान ने क्या किया, मेरे आगे पीछे वहाँ सारी मेरी जमीन में भी आंगन में भी थोड़ा आगे बढ़ा रखा है, मेरी जमीन को भी मार रखा है और मेरा जो दीवार है ना उस पे इतना बड़ा छेद कर रखा है, वहाँ वो कूड़ा करकट डाल रहे। वो क्या करते हैं वहाँ पे है क्या वो? उसका लॉज है, अच्छा, दो भाई थे ना, एक ने तो बेच दिया अपना लॉज, उसको बेच दिया, अच्छा, तो वो पहले हमारे घर में रहता था, उसको मैंने लॉज लीज पे दिया था, अच्छा, मैंने और पंडित जी ने, तो उसने क्या किया उसके पिछले जो बिल है हमारे बिजली के पानी के सब 2023 तक उसने देने हैं, अच्छा। वो पाने वाले क्या करे, मेरे नाम चढ़ा रहे उस बिल को, अच्छा। उस पैसे को मैंने कहा मैं एक नहीं दूंगी। क्यों दोगे फिर आप? मैं दूंगी नहीं, आप क्यों दोगे? है वो मीटर हमारा पुराना था, दोनों भाइयों के नाम पे, राजेंद्र प्रसाद स्वर्गीय, जितेंद्र प्रसाद, तो इसने अपने नाम कर दिया वो मीटर, अच्छा। तो मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी प्रधानमंत्री जी से और योगी आदित्यनाथ जी से यही उम्मीद करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप मेरी जो समस्या है उसको सुने और मेरे दो बच्चों को नौकरी लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मुझे कुछ नहीं कहे, मैं रोजी रोटी चल जाए ना, यही कामना करता हूँ कि आपके विचार वहाँ तक जाए और इनका सोल्यूशन वो निकाले किसी भी, चाहे 2 करोड़ चाहे उनको 2 करोड़ का प्रॉफिट क्यों ना हो लेकिन नुकसान 1 रुपये का जनता को नहीं होना चाहिए। मुझे मुआवजा भी देना, वो 3 साल से मेरा मकान बंद पड़ा है। बिल्कुल, अब भगवान को रहने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए, वो छोटी जगह पे रह लेते हैं, उनको अच्छा बहुत बड़ी एरिया नहीं चाहिए और क्या, लेकिन पब्लिक को नुकसान पहुंचाना गलत है, बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान सबको अच्छा रखे, भारतवर्ष आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और भारतवर्ष के जितने सारे लोग हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे अमेरिका में हैं, चाहे स्विट्जरलैंड है, कहीं भी है, विदेशों में है, यहाँ भगवान बद्री विश्व का दर्शन करने जरूर आए। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय राधे कृष्ण, जय साक्षी गोपाल। आंटी जी एक बात बताइए, आप मुझे लगता है आप बहुत पढ़ी लिखी है, आपकी आवाज में लग रहा है, कितना पढ़ा है आपने? पढ़ा तो बेटा मैंने, आपकी आवाज में इतना वो कैसे? संस्कृत से बीए किया, संस्कृत से बीए किया है आपने? सस्य कुशल मत्स्य चिरा रसु गोवाज धन गोवाज रसु धन धन्य समृद्धि रसु ऐश्वर्य मस्त बल मत्स्य पूछु वंशे सदैव ताम हरिभक्त। इसका अर्थ है आपका वंश आगे चले, आपके जो बाल गोपाल हैं वो आगे बढ़े और भगवान आपके वंश को और आगे ले जाए और वृद्धि होगी।
स्वस्थ रहे, कुशल रहे। जय माता जी, माता जी की जय हो। जय बद्री विशाल। तो आंटी जी, आज चरण पादुका के बारे में दो शब्द बता दीजिए। चरण पादुका यहाँ से और ऊपर चरण पादुका है, भगवान के बद्री विशाल के जो चरण है वो यहाँ चरण पादुका में है। यहाँ बद्री विशाल जी तपस्या करने आए ना, तो भगवान जी ने हिमालय पर्वत पे अपना स्थान चुना। तो यहाँ पे उन्होंने जब अपना स्थान चुना चरण भगवान बद्री विशाल जी ने, तो भगवान बद्री विशाल जी ने अपने मन में विचार किया कि ग्रस्त जीवन में तपस्या नहीं होती है, थोड़ी ग्रस्त से अलग होकर के ब्रह्मचारी रूप जिसको कहते हैं उससे तपस्या होती है। तो वो उन्होंने क्या किया, हिमालय पर्वत पे तपस्या करने के लिए चले गए। अब दूर खड़ी जब लक्ष्मी जी ने देखा उनको ये तपस्या कर रहे हैं भगवान बद्री विशाल, तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, उसको दुख हुआ कि भगवान के ऊपर सब कूड़ा कर बर्फ वगैरह सब पड़ रहा है। उसने क्या, पीछे से बेर का वृक्ष बन करके भगवान के पीछे से ऐसे बड़ा बेर वृक्ष बन करके और छाया करके। अच्छा। अब जब उन्होंने लक्ष्मी जी ने छाया की तो भगवान की तपस्या, जब बद्री विशाल जी की तपस्या, जब विष्णु भगवान की तपस्या जब पूरी हुई तो भगवान ने अपनी आँखें खोली, तो उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा, बहुत प्रसन्न चित्त हुई। उन्होंने कहा लक्ष्मी जी से कि लक्ष्मी जी आपको क्या वरदान चाहिए। भगवान बद्री विशाल ने, लक्ष्मी जी ने कहा नाथ मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, केवल ये जो बद्रीनाथ है, ये बद्रीनाथ जो बद्री विशाल का धाम है वो बद्री का आश्रम, आश्रम बद्रीनाथ धाम, धाम इसके नाम से प्रसिद्ध हुए। बद्री माने बेर, लक्ष्मी जी लक्ष्मी भगवान की पत्नी, पत्नी बद्री विशाल की पत्नी, पत्नी भगवान बद्री विशाल की पत्नी लक्ष्मी जी है, और भगवान की माता जी माता मूर्ति है। यहाँ से 3 किलोमीटर माणा गांव में उनका स्थापना है, और उनके जो पिता हैं वसुदेव हैं, 8 किलोमीटर दूर वसुधारा जी, वसुधारा जिनको बोलते हैं, वसुदेव बोलते हैं ना, वैसे आजकल में वसुधारा उनको बोलते हैं, वसुधारा। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उनका बद्री नाथ धाम इसका नाम पड़े। बद्री माने बेर, बद्री विशाल की पत्नी है, नाथ माने भगवान, बद्री विशाल, तो तब वो बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो ये जो भगवान की मूर्ति है, स्वयंभू स्वयंभू शंभरादित्य पुष्पराक्षो महासनो, ये स्वयं प्रकट हुए हैं नारद कुंड पे। भगवान बद्री विशाल जी जो प्रकट हुए हैं वो सीधे नारद कुंड से हुए हैं। तब संभव शंकराचार्य के स्वप्न में भगवान जी गए, उन्होंने कहा मेरे को यहाँ से आप उठा लो और मेरी स्थापना करो। तब शंकराचार्य जी ने उनको उठा से वहाँ से उठाया, नारद कुंड से, ये तपत कुंड के बाजू में नीचे नारद कुंड है, वहाँ से उठाया, और वहाँ से उठा करके भगवान बद्री विशाल की स्थापना शंकराचार्य जी ने किया। हम शंकराचार्य जी को बहुत बहुत, भगवान शंकराचार्य ने बहुत हमारे लिए पुरोहितों के लिए बहुत अच्छे काम किए, और भज अच्छे मन से उन्होंने भगवान बद्री विशाल की स्थापना की, इसलिए भगवान बद्री विशाल का मंदिर प्रसिद्ध है। बोलो बद्री विशाल की भगवान की जय, जय साक्षी गोपाल भगवान की जय। ठीक है, धन्यवाद, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए आंटी जी से मुलाकात करो भाई, बीए संस्कृत से ये पास हैं, बीए संस्कृत पास आउट है, और इनकी संस्कृत काफ़ी अच्छी है, संस्कृत के एक दो श्लोक भी इन्होंने सुनाए, और काफ़ी हिस्ट्री इनको मालूम है, और जो है यहाँ पे इनकी पुश्तैनी ज़मीन भी है, बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही हैं। यही आशा हम करते हैं कि इनकी जो समस्याएँ हैं उनकी समस्याएँ दूर हो जाएँ। बद्री विशाल के आसपास में वो रहती हैं, यहाँ की पड़ोसी हैं, जो भी समस्याएँ हैं पहली उनकी समस्याएँ सुननी चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं विचार करनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्यों वो आसपास के हैं पड़ोसी हैं, तो उनको मतलब नज़रअंदाज करना विकास के चक्कर में गलत है। उनकी ज़मीन को, उनके किसी भी हिस्से को, मतलब उनके मकान के किसी भी हिस्से को, ज़मीन को कोई कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं यही विनती करता हूँ, गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। टाइम जो है 11 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब यहां से 1 किलोमीटर और बचा हुआ है चरण पादुका, तो मैं पहुंच चुका हूं हनुमान गुफा पे, तो यहां के दर्शन भी आपको करवाते हैं। ये हनुमान गुफा देखो। बोलो बद्री विशाल की जय। तो कोई है अंदर? मेरा पास में बैठे। अच्छा अच्छा
आपका आपका कौन सा गांव है? हमड़ी गांव। अच्छा, मतलब आपकी पुश्तैनी जमीन है ना इधर? अच्छा, बाल बच्चे कितने हैं आपके? मेरे दो, एक लड़की एक लड़का। कहाँ पढ़ते हैं वो? एक की तो शादी हो गई, एक पढ़ा। अच्छा, शादी होगी एक की। आपके हस्बैंड यहीं रहते हैं? हाँ, पाड़ों के से रहते हैं, लेबर काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार जोर से जय बद्री विशाल बोल दो। जय बद्री विशाल। तो चलते हैं धीरे धीरे ऊपर की ओर हम लोग, ठीक, और बढ़ते हैं। हवा ठंडी, हाँ तो हवा भी काफ़ी ठंडी हो रही है, अभी ठंडी हवा पड़ रही है, और जो है क्योंकि बर्फीली चोटियाँ हैं ना आसपास में, तो जिसकी वजह से थोड़ा ठंडा बढ़ रहा है। हालांकि धूप है। मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे है गुप्त गंगा, तो यहाँ पे लिखा है गुप्त गंगा, इस साइड को एक संकेत दिया गया है। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं गुप्त गंगा के पास में। इसे गुप्त गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि जमीन के नीचे से पानी बहता है, जमीन के नीचे से पानी का प्रवाह बह रहा है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो दिल थाम के बैठिए, आप पहुंचने वाले हैं गुप्त गंगा के पास में। ये एक रहस्य से कम नहीं है, इतना नीचे जमीन के नीचे से पानी का प्रवाह चल रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे है भाई साहब गुप्त गंगा, ये देखिए यहाँ पे है गुप्त गंगा नीचे, ये देखिए। तो नीचे आप देख सकते हैं हर हर महादेव, जय हो। एक लोटा मिले भी निकाले। तो आपने आए हो गए देख लिए होंगे गुप्त गंगा नीचे, बस में निकल जाता हूँ। चलिए भाई, इसको थोड़ा हटा। 500 मीटर की दूरी पे है चरण पादुका। सामने आप देखिए बर्फ से ढका हुआ पर्वत आपको दिख रहा होगा। इस पर्वत का नाम है नीलकंठ पर्वत, जिसे महादेव का साक्षात रूप बोला जाता है। तो दूर से देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नीलकंठ पर्वत की तलहटी पे चरण पादुका है, विष्णु भगवान के पद चिन्ह, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी डिस्टेंस है वहां से, दूर से ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा आसपास का व्यू भी मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि बर्फ से ढकी हुई चोटियां दिख रही हैं, और इतने टॉप पे आने पे जो व्यू दिख रहा है ना, जो माहौल है यहाँ का एकदम शांत वातावरण, लेकिन हवा चल रही है थोड़ी सी तेज। तो देखिए, तो चलते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं, 400 मीटर के आसपास है दूरी। तो आप साइकिल यात्रा से कहाँ कहाँ जाने वाले हैं अभी? मेरा तो 5 किलोमीटर कम्प्लीट हो चुका है अभी, बद्रीनाथ करके, हाँ, फिर मानागांव, और क्या नाम है, बासुकी, हाँ, विदाउट मनी चल रहे हैं, साइकिल से ये यात्रा में है। बहुत बड़ा चैलेंज लेके निकले हैं घर से, बद्री विशाल इनकी कामना पूरी करे। जमीन के 4 फुट नीचे है, गुप्त गंगा बह रही है। अच्छा, लोटे से गंगा जल भरी शिवलिंग पे चढ़ी है। तो फाइनली जिस पल का इंतजार था, उस पल में हम लोग आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं चरण पादुका के सामने। यहाँ पे है चरण पादुका, तो हम लोग चलते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको चरण पादुका के। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चरण पादुका, मैं धन्य हो गया यहां पे पहुंच करके। यहां आकर के ऐसा महसूस हो रहा है कि जिंदगी का सब कुछ मुझे मिल गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस जगह की, इस चरण पादुका की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग लोगों द्वारा कही गई हैं। तो निष्कर्ष यही है कि भगवान विष्णु के पद चिन्ह ये हैं, ठीक। तो अलग अलग जो अवधारणाएं हैं, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग जो मान्यताएं हैं, तो बारी बारी से मैं उनको बताऊंगा मौखिक तरीके से अभी आपको। तो दर्शन कीजिए आप चरण पादुका के। तो यहाँ पे है चरण पादुका। जब स्वर्ग से पृथ्वी पर विष्णु भगवान आए थे, तो उन्होंने अपना पहला कदम यहीं पे रखा था,
तो यहाँ पे ये चरण पादुका बनी हुई है। और दूसरी जो मान्यता है वो ये है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने मंत्री उद्धव को, उद्धव जी के जो बुरे कर्म थे, बुरे व्यसन थे, उनसे मुक्ति के लिए बद्रीनाथ धाम जाने के लिए कहा और अपनी चरण पादुका दी। शायद पहनने के लिए दी या वैसे ही दी, ये कन्फर्म नहीं अभी, लेकिन अपनी चरण पादुका दी थी। तो उद्धव जी यहाँ पे आए थे, तो उसके बाद से उनके पदचिन्ह, श्री कृष्ण भगवान के पदचिन्ह यहाँ पे हैं, ऐसा बोला जाता है। तीसरी मान्यता ये है कि विष्णु भगवान ने जब राम का अवतार लिया था तब स्वर्ग से पृथ्वी पर वो आए थे, तो पहली बार कदम यहाँ पे रखे थे। तो यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। कुछ यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं तो उनको भी मैं दिखाता हूँ, उससे थोड़ा क्लेरिफाई हो जाएगा कि एक्चुअली इस शिला में भगवान बद्रीनाथ जी का पद कमल, ये देखिए लिखा है ना, इस शिला में भगवान बद्रीनाथ जी का पद चिन्ह है। राधे राधे अंकल। राधे राधे, राधे राधे प्रभु। कैसे हो आप? हम तो आपकी कृपा से और भगवान की कृपा से ठीक ही हैं, और यहाँ भी करीब हनुमान जी की कृपा से पहुँच आए हैं। बीच में हनुमान जी मिले थे, हाँ, तो उनके वहाँ गए जी जी। मैंने कहा कि जो हमारे इंचार्ज साहब हैं आपके बहुत प्रिय हैं, और आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ चरण पादुका, यहाँ तक आ चुके हैं, आप हमें मतलब पहुँचाओ वहाँ। जी जी जी। तो उन्होंने पहुँचाया मुझे यहाँ। अच्छा अच्छा, आप नैनीताल से आए ना? हाँ, नैनीताल हल्द्वानी गौशाला गौधाम हल्दू चौड़ से नैनीताल से। अब तो चरण पादुका के दर्शन भी हो चुके हैं। हाँ, चरण पादुका के दर्शन भी हो चुके, चरण सिर में भी लगा लिए हैं। अब कैसा अनुभव है आपको, अब कैसा लग रहा है अंदर से? मतलब यही जीवन है, मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। बिल्कुल, एकमात्र का एक इसी कार्य के लिए, बाकी जो हम संसार में कर रहे हैं ना, वो तो और योनियों के लिए है। कुत्ता बिल्ली मक्खी मच्छर, आराम करना, सोना, बच्चे पैदा करना, बुढ़ा बीमार, सब जी जी जी। उनके लिए है। वो तो कर्म हो गए, तो कैसा हमको आगे मतलब जीवन चाहिए। हमारी इच्छा हुई थी ना, बिल्कुल, कि हम भी ऐसा करें। हाँ, तो जाओ देह बार बार धारण करो हरियोनियों में, वैसा वैसा काम वही है कि करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आराम करना मतलब सोना, खाओ पियो, खाना पीना नॉर्मल दिनचर्या है। मनुष्य शरीर बाद में मिलेगा, जिसको कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, तो उस शरीर से केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता के लिए। तो भगवान प्रसन्न है, गौ सेवा ब्राह्मण, इनकी सेवा करने से, सेवा करने से गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा। संत सेवा हम कर रहे हैं तो समझ लो भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि संत भगवान की सेवा में लगे हैं। सही बात। अगर एक लाइन में, अगर एक अनुभव आपका, जितना भी अनुभव अभी तक का है, अगर निचोड़ में अगर कुछ अनुभव अगर आप पूरे दुनिया को अगर देना चाहें, तो क्या वो रहेगा अनुभव? निचोड़ का मतलब ये है कि संत, जिसको हम कहते हैं गुरु, गुरु और भगवान, भगवान ये दो रेल की पटरी है। मनुष्य शरीर हमें जो मिला है, इस रेल की पटरी पर चलकर गुरु और भगवान के रूप में भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। मनुष्य शरीर जो है एक साधन है, साधन, इसको महत्व ज्यादा नहीं देना है, इसको उतना ही महत्व देना है कि हम इससे भगवत कार्य कर रहे हैं, भगवत कार्य, स्वस्थ होना चाहिए बस, बाकी महत्व इसको नहीं देना है, ये साधन है। जो लक्ष्य हमारा है वो हमको मिल जाए। हाँ, लक्ष्य भगवत प्राप्ति, इसको साधन बना के, मतलब साधन बना के। अब हमें नदी पार करना है तो नाव को साधन बनाते हैं, नाव को साधन, तो उससे हमारा लगाव थोड़ी होता है, लगाव वही हम छोड़ देते हैं, वही छोड़ देते और आगे चले जाते हैं, और लोग उसमें आते हैं। फिर ये तीनों लोग में जो भी वस्तुएं हैं, केवल आत्मा के अलावा आत्मा, बाकी सबको नष्ट होना है, सबको नष्ट होना है। बोलो बंसी वाले की जय हो, जय 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 हो। तो नीचे आप देखिए ये नदी, इस नदी का नाम है ऋषि गंगा, जो कि इन पर्वतों के ढलानों से निकल रही है, इन बर्फ के ग्लेशियरों से, बर्फ के पहाड़ों से, बर्फ के पर्वतों से ये नदी निकलती है, इसका नाम है ऋषि गंगा। तो देखिए तो ये है नीलकंठ पर्वत, जो कि भगवान शिव जी का रूप इसे बोला जाता है। तो ये देख सकते हैं काफी नजदीक हम लोग आ चुके हैं अभी। अंकित, तो अभी जैसे ही मैं ट्रैक के लिए ऊपर को आ रहा था ना, तो साथ में दो लोग मिले थे, एक तो वो साथ वाले जो आसाम से आए थे, ब्लॉगर थे, वो भी वो निकल चुके हैं, तो साथ में अंकित भाई मिले।
तो अंकित भाई और मैंने ऊपर तक का ट्रैक चरण पादुका तक का ट्रैक किया, हालांकि वो तीसरे भाई भी हमारे साथ थे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग नीलकंठ पर्वत की तलहटी तक हम लोग जाएंगे, लेकिन वहाँ तक जाने का फिर मतलब प्लान फिर बनाने, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, पानी की बूंद भी नहीं पी। हम दर्शन के लिए खाली पेट निकले थे बिना नाश्ते के, तो दर्शन करने के बाद तुरंत आना हुआ ऊपर को। अगर कुछ खाया हमने रहता ना, नाश्ता वास्ता किया रहता, कुछ खाने पीने की चीज़ें होती, हम शायद ऊपर तक चले भी जा सकते थे आराम से। तो ऊपर तक हम लोग गए नहीं, फिर अब बाद में कभी प्लान बनाएंगे। नीलकंठ जो पर्वत है वैसे महादेव का साक्षात रूप कहा जाता है, क्यों महादेव की गुफा है वहाँ पे, महादेव साक्षात वहाँ पे विराजमान है। गुफा भी है, मंदिर भी है, मंदिर भी है, गुफा ही है। अच्छा गुफा है, गुफा है। और जानते हैं अंकित भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम जी पंजाब से, चंडीगढ़ से। अच्छा, तो यहाँ पे कितने धामों की यात्रा आप कर चुके हैं? आज मेरे चार धाम पूरे हो चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप चार धाम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हवा चल रही है, तो यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है? देवभूमि उत्तराखंड में तो कितनी बातें बोली जाए उतनी कम है, उतनी कम है। ठंडी हवा काफ़ी चल रही है यहाँ पे। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन की घंटी भी दबाइए, क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए, तभी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा।